घर वालों की नजरों में भी गिर गया था एक तरह से। तो शायद उसकी बातें कहीं और स्टार्ट हो गई थी। वो लड़के भाई रोते अच्छे नहीं लगते, तब किसी को बताते भी, जिम भी रोते जा रहा था, मतलब सब बहुत बुरा फेस था यार वो। देखो घर में ना मेरे दो दो डेथ हो गई थी यार, तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो कोई व्लॉग वगैरह तो होगी नहीं, ठीक है। तो आज मैंने सोचा था कि चल एक ब्रेकअप स्टोरी पे व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, मैं ना मतलब इंस्टा वगैरह पर बहुत सैड स्टेटस वगैरह डालने लग गया था, मतलब रील्स उस टाइप की बनाने लग गया था, ब्रेकअप टाइप्स की। तो बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, भाई ऐसा क्या है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, व्लॉग वगैरह जो भी आप बोलना चाहो, टाइटल देख के आपको पता लग जाएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये मतलब आज अगर मैं कैमरे के साथ थोड़ा ज़्यादा बोल ना पाऊँ ना, तो कैसे कैमरे में देख ना पाऊँ, तो समझ जाना कि क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो हुआ क्या था भाई, एक लड़की थी मेरी लाइफ में, मतलब हमारा लास्ट सितंबर में ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। तो मैं पूरी स्टार्टिंग से बताऊँगा, तीन चीज़ें होंगी बस व्लॉग में, तीन चीज़ें, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, एक्सपीरियंस क्या था बीच में, कैसे ख़त्म हुआ, और ख़त्म होने के बाद का एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। नाइन्थ क्लास की बात है, मैंने ना स्कूल चेंज करा था अपना, ठीक है। नाइन्थ क्लास में मैंने स्कूल चेंज करा अपना। तो टेंथ में मतलब मेरे को एक लड़की पसंद आई थी, ठीक है। तो मैंने मतलब हमारा ऑलमोस्ट जो टेंथ के फर्स्ट टर्म के पेपर होते हैं ना, उसके बाद हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। वहाँ से स्टार्ट हुआ भाई। अब जो बातें मैं तुमसे मतलब करूँगा ना, ये ना तो मेरी फैमिली को किसी को पता है, मेरे को नहीं पता ये वीडियो देख के क्या रिएक्शन आएगा उनका, ठीक है। तो यार बस सितंबर में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता गया, ठीक है। बहुत दिक्कतें आई, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत सब अच्छा था, पर दिक्कतें आई फिर बीच में, थोड़ी बहुत लड़ाई सब में होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब उसी की गलती थी, मेरी भी गलती थी। सितंबर में स्टार्ट हुआ था 2016 में, ठीक है, 2016 में स्टार्ट हुआ था। तो पता नहीं मैं थोड़ा ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आज, चलो कोई नहीं। तो 2016 में स्टार्ट हुआ हमारा सितंबर में। स्कूल तक सब कुछ बहुत अच्छा था, 12th तक, जैसे 12th ख़त्म हुई मतलब बहुत अच्छा सब चल रहा था। 12th ख़त्म हुई तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, हम बहुत कम मिलते थे, क्योंकि स्कूल में मिल लेते थे तो बाद में मिलते नहीं थे ज़्यादा, ठीक है। तो यार फिर मिलते नहीं थे, मतलब मंथ में एक दो बार ही मिलते थे बाहर अलग से, क्योंकि स्कूल टाइम पे यार बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई 12th में जब फेयरवेल हुआ था, तो मतलब हम घूमने वगैरह गए थे, ठीक है। उसके बाद वो कॉलेज चली गई, मैंने कॉलेज किया नहीं था, मैंने ओपन से कॉलेज किया था, बच्चे ही होते हैं उस टाइम, ठीक है। नाइन्थ क्लास में एक तरह से बच्चे ही थे। उसके बाद हमने जब स्टार्ट किया यार, तो एक तरह से बच्चे से बड़ा हुआ उस लड़की के साथ में, बातें करता करता, क्योंकि मैच्योर तभी हुआ ना जब साथ हम रहे, बातें करी हमने, तो मैच्योर हुए साथ में। तो बहुत ज़्यादा यार एक अटैचमेंट सी हो गई थी उस लड़की से मुझे, प्यार तो पता नहीं था उससे यार, उसने क्या ही कर दिया मेरे दिल को, कि प्यार तो किससे भी नहीं हो पाता, ठीक है। उसका जब आया वो, मतलब अपने नए फ्रेंड वगैरह बना लिए थे उसने, ठीक है, मतलब तब भी सब ठीक था यार। मतलब बीच में चलते 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 मैं, मतलब हर बार मैंने उसको ऐसा साथ दिया था कि कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी थी, ठीक है। मैं मिलता था उससे, वो नहीं भी मिलती थी तो भी मैं टॉलरेट कर लेता था कि चल यार कोई बात नहीं, लड़की है, नहीं मिल पा रही फैमिली की वजह से, कोई बात नहीं, चल, ठीक है। उसके घर में एक दो बार पता लगा, मेरे साथ भी मतलब लड़ाई बड़ाई हुई उसके बीच उसकी फैमिली की, तब भी मैंने यार उसको छोड़ा नहीं। मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सुनाया था, मैं अपने घर वालों की नज़रों में भी गिर गया था एक तरह से, ठीक है, कि एक लड़की के पीछे क्या कर रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था उस चीज़ में। फिर ऐसे ही चलता गया, मैं घर वालों से छुप के बात करता था उससे, ठीक है, वो भी अपने घर वालों से छुप के बात करते थे। ऐसा कुछ नहीं कि उसने एफर्ट्स नहीं किए, उसने भी बहुत एफर्ट्स करे थे उस टाइम पर। भाई ऐसा हुआ क्या था कि जब मैंने अभी चलते चलते 4-5 साल हो गए थे, 2020 में हमारा जब मिलना वगैरह हुआ था, लास्ट टाइम मैं उससे मिला था 2020 के नवंबर में, ठीक है। उसके वो भी हम लड़ाई सॉर्ट कर रहे थे, तो हमारी सॉर्ट हो गई थी लड़ाई। तो फिर भाई वो बेंगलोर चली गई थी फरवरी में 2021 में, ठीक है, लास्ट ईयर बेंगलोर गई थी वो फरवरी में। तो भाई वहाँ से चीज़ें ऐसी ख़राब होना स्टार्ट हुई ना,
ऐसी खराब होना चीजें स्टार्ट हुई भाई वहां से, मतलब बिल्कुल ही हमारी बात कम हो गई, वो वहां जाके पता नहीं अजीब सी चेंज हो गई एकदम से। तो दो तीन महीने बीत गए, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, ठीक है, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, हमारी बातें कम हो गई, ठीक है। तो शायद उसकी बातें कहीं और स्टार्ट हो गई थी, जो अब सिचुएशन है मुझे तो यही लगता है। चलो वो सब चीज़ें बाद में बताता हूँ। तो भाई फिर ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप मेरा हुआ था सितंबर में 2016 में स्टार्ट हुआ, 2021 में ब्रेकअप भी सितंबर में ही हुआ, ठीक है। तो फरवरी से लेके अगस्त तक वो बैंगलोर में रही थी, ठीक है। तो एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, क्योंकि पास रह के भी लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि मिलते कम थे, ठीक है। तो उस चीज का तो इतना फर्क नहीं पड़ा था, उस चीज का इतना फर्क नहीं पड़ा। पर जब भाई ब्रेकअप, उसने मुझसे ब्रेकअप कैसे किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ठीक ठाक था, मतलब मिलते नहीं थे, हम चैट पे रहते थे 10-10 घंटे, हम चैट करिए दिन के अंदर, तो समझ सकते हो कितना यार अटैच हो गया हूँ मैं उस लड़की से, क्योंकि स्कूल टाइम से यार साथ ऑलमोस्ट बच्चे से लेके, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मेरी रिलेशनशिप तभी स्टार्ट हुई जब मैं 9th क्लास क्या होती है यार, तो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, ये सब तो आपको पता ही है यार, तभी आज स्टोरी बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो यार ये जो बातें हैं ना जो आगे करूँगा, ये ना फैमिली को पता ना किसी दोस्त को पता, ठीक है। दोस्त को भी पता होगा, दोस्तों को भी किसी को नहीं पता, क्योंकि तुम्हें पता ना हम लड़के करते हैं, हाँ भाई बंदी का क्या हुआ, छूतिया काट गई यार, ऐसे बोल के, पर जो अंदर दिल के चल रहा होता वो किसी को नहीं पता होता ना, तो वो चीज़ें तो किसी को भी नहीं पता होती। तो वो आज मैं तुमसे थोड़ी बहुत शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि निकल पाए बातें, तो ठीक है करते हैं अभी। तो फिर भाई सितंबर में जब ब्रेकअप हुआ, उसने मुझे बोला कि मेरे को ना मेरे करियर पे ध्यान देना है, ठीक है, करियर पे ध्यान देना है, ये वो, ठीक है। तो करियर की बात आई, ठीक है, मैंने कहा चल भाई ठीक है। तो करियर बीच में लेके आ गई, करियर को मैं ना अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रही रिलेशनशिप के चक्कर में। तो मैंने उसे कहा भाई मैं तो तेरे को टाइम नहीं, हम कम बात कर लेंगे मतलब थोड़ा। तो कहती नहीं मेरा ध्यान नहीं है, मेरे को मतलब अब प्यार ही नहीं रहा। तो उसने ना मतलब बहाने मारने स्टार्ट कर दिए। तो फिर मुझे कहती कि मैंने ना उससे एक ही रीज़न पूछा कि अब तू क्यों छोड़ना चाह रही है मेरे को, ठीक है, मैं कैमरे की तरफ नहीं देख पाऊँ तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो कहती कि क्यों नहीं, क्यों छोड़ रहे हो, मैंने उसको बोला कि क्यों छोड़ रहे हो, कहती कि मेरे को मेरे करियर पे ध्यान देना है, मतलब मैं ना 5 साल से कंफ्यूज थी कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ या नहीं करती। जब मैंने ये सुना मैंने कहा यार 5 साल से इंसान कंफ्यूज था, वाह भाई। तो भाई उस टाइम तो मतलब क्या ही बोलूँ, हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो कहती कि मैं कंफ्यूज थी, तो मतलब बहुत मैंने उसको मनाया, रोया भी उसके आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, माँ बहन एक कर दी मैंने, ठीक है। तो फिर कहती हो तो मतलब मैं नहीं रहूँगी, कुछ भी कर ले तू, ठीक है। तो फिर मैंने मतलब बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई, हमारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है। पर मुझे नहीं पता था कि ब्रेकअप का रीज़न ये नहीं है, मैं तो यही रीज़न से सोच के गया था कि यही रीज़न होगा मेरे ब्रेकअप का, कि भाई अगली को करियर बनाना है। तो मैं तो यही सोच के गया था ना, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जा रही है तो जाने दो, चल अगली करियर बना लेगी। मैंने उसको ये तक बोला था कि यार 3 साल मैं तेरा वेट भी कर लूँगा, बस थोड़ी बहुत मुझसे कॉन्टेक्ट में रही हो। कहती नहीं, तो उसको जाना ही था ना, क्योंकि मैं तो यार निभाना चाहता था, तो मैं तो किसी भी कंडीशन में रहने के लिए तैयार था, और अगली तैयार नहीं थी। मतलब ब्रेकअप हो गया फिर एंड में हमारा। फिर मेरे को 10 दिन बाद पता चला कि भाई वो स्कूल के मेरे किसी जूनियर के साथ रिलेशनशिप में। मतलब भाई पहले ही वो 10 दिन मैंने ऐसे बिताए कि मतलब ये समझ लो रात को ना मम्मी मेरी सो रही होती थी और मैं रो रहा होता था, मैं इतनी धीरे रो रहा था कि मम्मी को आवाज़ ना चली जाए, ठीक है, कि मम्मी को आवाज़ ना चली जाए, ठीक है। और वो यार वो फेस ऐसा था कि मैं ना बता नहीं सकता किसी को कि क्या हो रहा था। मैं लिटरली जिम जाता था ना तो मैं रोता हुआ जाता था। आज तो तुम देख रहे हो कि मैं जिम जा रहा हूँ, बहुत खुशी होने लगी, क्योंकि अब वक्त ने चीज़ें ठीक कर दी हैं। और उस टाइम का जो 3 महीने का भाई फेस था ना, वो मैं जिम जाता था रोते हुए जाता था, दिन में कोई पूछता था क्या चल रहा है भाई, सब बढ़िया चल रहा है, किसी को कुछ बता नहीं पता था। यार लड़के हैं ना, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, शुरू से ये सुना, ठीक है। तो हम लड़के हैं ना,
तो लड़के भाई रोते अच्छे नहीं लगते, तो किसी को बताते हैं, कोई दोस्त पूछता था भाई क्या हुआ, अरे यार छूते गाड़ी की, चल कोई बात नहीं नई बना लेंगे, ऐसे बोल देते थे, नई बना लेंगे। तो भाई अंदर क्या चल रहा है वो तो हम ही जानते हैं ना, रो सकते नहीं किसी के सामने भाई। रात को जब रोता था तो भाई मम्मी सो रही होती थी, मैं रो रहा होता था भाई, वो टाइम कैसे बोलूं। फिर भाई धीरे 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 चीजें सॉल्व होती गई, ठीक है, धीरे 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 चीजें मैंने अपने आप को मतलब गिर के खुद ही संभाला भाई, बहुत बुरा फेस था वो, ठीक है। तो मैं निकला कैसे इस चीज से भाई, निकला मैं ऐसे, एक तो भाई जिम, ठीक है, जिम ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, मेंटल में मतलब बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, अब कोई लाइफ में आए भी चाहे ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, अब अपने आप से प्यार करना सीख गया हूँ, ठीक है। और जब यार वो जूनियर से पता लगा था ना, तो भाई तब तो भाई 3 महीने जो मैं रहा हूँ ना वो बस बता नहीं सकता, जिम भी रोते जा रहा था, मतलब सब बहुत बुरा फेस था यार वो। फिर भाई मैं ऐसे निकला इस, अब बताता हूँ कि मैं निकला कैसे इस चीज से। एक तो जिम ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, अपने आप को बिजी रखा, ठीक है, काम करने लग गया, ठीक है। पहले क्या होता था, मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था ना, मैं एक टाइम को अगर ब्रेकअप होता तो अपने आप को संभाल लेते, क्योंकि घर में ना मेरे दो दो डेथ हो गई थी यार, तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरे पापा की डेथ हो गई तो भी मैं अकेला हो गया, फिर मेरे चाचा की डेथ हो गई, तो मतलब सब, एक तो भाई अकेला लड़का हूँ मैं घर का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई मेरे ऊपर, ऊपर से जो बातें मैं शेयर करता था अपनी गर्लफ्रेंड से वो भी चली गई, उसने भी उस टाइम पर छोड़ा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। पर कोई नहीं, वो फेस पुराना था, पर चीजें हर्ट होती हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो ये इस चक्कर में मैं थोड़ा बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में पीछे चला गया था उन 3 महीने के अंदर। फिर निकला मैं, काम करने लग गया, बिजी रहने लग गया, जिम में मतलब मैंने अपना टाइम ज्यादा स्पेंड किया, 3-3, 4-4 घंटे जिम के अंदर मैं, पता घर वालों को किसी को कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मेरी लाइफ में, बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था सबको, पर अंदर से जो भाई था ना वो अलग 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 ही वंश था कोई, अब जो दिख रहा है वो अलग वंश है, उस टाइम एक अलग वंश था। उस चीज से निकल गया, क्योंकि उस टाइम वो प्रायोरिटी थी, अब अपने आप से सेल्फ लव सीख चुका हूँ, ठीक है, अब किसी की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में मेरे को, ठीक है। तो अगर आपके, आप भी कोई जिसका ब्रेकअप हुआ है वो वीडियो देख रहा हो, तो यहाँ से सीखो यार, कोई किसी का नहीं होता आज के टाइम में, अपने आप से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो बस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने अपनी बहन को ये चीजें बताई, मेरी बहन ने मेरे को समझाया, ठीक है, बहन को मैंने बता दिया था कुछ टाइम पहले ही, ठीक है, तो उसने मेरे को समझाया, तो कौन साथ आया हमारे लास्ट में, फैमिली ना, ठीक है। मम्मी भी, मम्मी को भी थोड़ा बहुत पता, अभी वीडियो देखेंगी तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, आधे से ज्यादा फैमिली के रिलेटिव्स देखेंगे कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्या था मैं किसी टाइम पे। पर एक चीज पे मैं अपने आप को प्राउड से कह सकता हूँ कि मैंने कोई नशा नहीं किया, जब मैंने ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने अपने आप को ग्रो करने की ट्राई करी। हाँ 3 महीने का फेस बहुत बुरा था, पर मैंने बहुत अपने आप को अब ग्रो किया, ठीक है। तो अब जो भी है, अब मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि भाई मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं सिंगल हुआ, मेरे को अपनी वैल्यू पता चली। बेसिकली पहले मैं अपनी वैल्यू नहीं करता था, जो थी वो थी, ठीक है, अब मुझे अपनी वैल्यू पता लगी। तो यही थी यार थोड़ी सी ब्रेकअप की स्टोरी, ज्यादा ब्रीफ में नहीं बता पाया, क्योंकि फिर यार मैं इमोशनल हो जाऊंगा, ठीक है, और मैं उस फेस में दोबारा पहुंचना नहीं चाहता। तो अगर कोई भी बंदा ब्रेकअप की, जिसका ब्रेकअप हुआ है वो ये वीडियो देख रहा हो, तो यहीं से सीख लो यार, कोई किसी का नहीं होता, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को ग्रो करो बस, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर तुम अपनी वैल्यू नहीं कर सकते ना, को तो कोई दूसरा भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं नहीं बोलूंगा भाई, आज की वीडियो लाइक करो या कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आज का ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी लग जाए तो भाई रिलेट कर जाओ तो लाइक कर देना, मर्जी है भाई तुम्हारी, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।